है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बच्चा लोग, आपका चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का सेकेंड पार्ट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी वाले पार्ट में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दोनों ही पढ़ लिए हैं। फैराडे लॉज भी हम लोगों ने पढ़े थे। अब इसी सेगमेंट से कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो कि आसान हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक या दो लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनमें से एक टॉपिक है कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए ही है ये। देखिए, कंडक्टेंस को वैसे तो ये फिजिक्स में भी आपका पढ़ा हुआ है, कंडक्टेंस को यहां पर जी से दिखाते हैं। कंडक्टेंस होता क्या है? वैसे तो अगर डेफिनेशन हम दें, रेजिस्टेंस का उल्टा जो होता है वो कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो इसका उल्टा अगर हम बोलें, कंडक्टेंस क्या होगा? अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कंडक्टेंस हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे द ईज विद विच चार्ज कैन फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टेंस। जिस आसानी के साथ चार्ज फ्लो कर सकता है उसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। न्यूमेरिकली ये किसके बराबर होता है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसकी बेटा जो यूनिट बनेगी जाकर के, यूनिट होती है, यहीं से आप देख लीजिए, पर ओम, या इसी को हम कहेंगे मो, या इसको केमिस्ट्री में जनरली हम साइमन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट क्या मानी जाती है? साइमन मानी जाती है। तो ये तो हो गया कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है आपको बता दिया गया, आपको यूनिट भी कंडक्टेंस की बता दी गई, एक लाइन आपने लिखी भी है कंडक्टेंस के बारे में। ये बेटा कंडक्टेंस हो गया। सेकेंड टर्म यहां पर जो आता है दैट इज कंडक्टिविटी। ग्रीक लेटर काप्पा से दिखाते हैं, के को थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया गया है, इसे बोलते हैं कप्पा। अच्छा, कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। क्या है? तो बेटा जो कप्पा इज इक्वल टू होता है वो होता है 1/ρ। रो क्या है आपको याद होगा, फिजिक्स में आपका पढ़ा हुआ है, ये है रेजिस्टिविटी। तो अगर आपको बताना पड़े कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है तो हम बोलेंगे इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसे हम फार्मूलाज से। जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रॉम R इज इक्वल टू रो होता है इंटू L ओवर A होता है, ये रेजिस्टिविटी है। तो एक काम करते हैं हम इस तरीके से क्रॉस एक्सचेंज करते हैं, तो 1/ρ इज इक्वल टू 1/R इंटू L ओवर A आएगा। 1/ρ को हम कहेंगे कप्पा, 1/R को हम कहेंगे G इंटू L ओवर A। ये फार्मूला आपको याद रखना है। कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू L ओवर A। अच्छा बेटा, होता क्या है? फॉर अ पर्टिकुलर सेल, एक पर्टिकुलर सेल के लिए L एंड A, एरिया होता है, A इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस होती है, L एंड A आर कॉन्स्टेंट,
ये कांस्टेंट माना गया है. हेंस एल ओवर ए को हम कहते हैं इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट. इसे हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं. अगर इसकी यूनिट की बात करोगे तो प्रैक्टिकल यूनिट तो सीजीएस सिस्टम वाली चलती है. भाई सेल जो होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है कि जो लेंथ और एरिया है वो मीटर या मीटर स्क्वायर में हम मेजर करें. तो लेंथ को सेंटीमीटर में और एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं. तो इस तरीके से एल ओवर ए की जो यूनिट आती है वो पर सेंटीमीटर आएगी. और अगर सीजीएस सिस्टम में निकालोगे तो ये यूनिट पर मीटर आएगी. स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, आगे बात करेंगे थोड़ी सी. तो आपने पढ़ा, देखें आपने पढ़ा कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल ओवर ए. अगर हम एल को 1 सेंटीमीटर मान लें और ए को भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें तब वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब या इसी को हम कहेंगे 1 ml. और ऐसे केस में जो कप्पा होगा वो बराबर होगा जी के. तो डेफिनेशन ये भी बनती है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी. क्या बोला? कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर क्या बोलेंगे कंडक्टिविटी. तो जो कंडक्टिविटी है इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट की बात करें तो बेटा ये तो साइमन हो गया और ये तो साइमन पर सेंटीमीटर. जनरली इसी का यूज होता है लेकिन इसको हम कहीं कहीं पर साइमन पर मीटर में भी यूज करते हैं थ्योरेटिकली. प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है वो साइमन पर सेंटीमीटर ही होती है. तो जो सेगमेंट हम पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस वाला, कंडक्टेंस वाले पार्ट में आप लोगों ने अभी तक 2 टर्म्स पढ़े. एक टर्म आपने पढ़ा कंडक्टेंस क्या है और दूसरा टर्म आपने पढ़ा कंडक्टिविटी क्या है. तीसरा टर्म यहां पर जिसकी हम बात करेंगे वो है मोलर कंडक्टिविटी. बात कर लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी की. देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी क्या है. इसे दिखाते हैं लैम्डा एम से. तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिएगा फिर समझाते हैं आपको. कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हैविंग 1 mole ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हैविंग 1 mole ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी. मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम कितना है, एल ओवर ए कितना है, किसी बात से कोई मतलब नहीं है. जो इलेक्ट्रोलाइट आपने उसमें डाला हुआ है उसका होना चाहिए 1 mole. अगर इलेक्ट्रोलाइट 1 mole है तो वहां के कंडक्टेंस को हम उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे एट गिवन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर वगैरह जो भी है, राइट. तो क्या कहेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी को? कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हैविंग 1 mole ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मोलर कंडक्टिविटी. देखिए इसका रिलेशन होता है मोलैरिटी के साथ. तो मोलैरिटी के साथ रिलेशन कैसे निकालेंगे, ध्यान दें.
रिलेशन विद मोलैरिटी। क्या करते हैं इसके लिए, हम मान लेते हैं लेट वी एम एल सोल्यूशन हैज वन मोल इलेक्ट्रोलाइट। हमने ये मान लिया कि वी एम एल सोल्यूशन में एक मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो होगा क्या, देन कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन क्या होगा इज लैम्डा एम। ये बात कंसीडर की हुई है हमने, ऐसा हर बार थोड़ी ना होगा कि वी एम एल में एक मोल ही हो, हमें वी को रिप्लेस कराना पड़ेगा। हमने ये माना है केवल कि लेट से वी एम एल सोल्यूशन हैज वन मोल इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब ये हुआ कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन जो होगी वो लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। तब देखिएगा, आपको पता है कंडक्टेंस ऑफ वन एम एल सोल्यूशन को हम कहते हैं कापा, तो कंडक्टेंस ऑफ वी एम एल सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, कापा इंटू वी। तो इस वाले सेगमेंट से और इस वाले सेगमेंट से भाई वी एम एल की कंडक्टेंस को ही हम क्या कह चुके हैं, दैट इज लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू वी। ये वी स्पेसिफिक है थोड़ा सा, क्या क्या स्पेसिफिक है, हैविंग वन मोल इलेक्ट्रोलाइट, इसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट है, ये वो वाला वी है जिसमें वन मोल इलेक्ट्रोलाइट है, इक्वेशन नंबर हमने वन माना इसे। अब आप चेक करिए, फ्रॉम मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहां इलेक्ट्रोलाइट ही लेंगे, मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन, अगर आपने वॉल्यूम इन एमएल लिया है तो ऊपर आ जाएगा 1000। अगर व्हेन वॉल्यूम की जगह हम वी रख दें, ये वाला वी, तो मोल की जगह कितना आ जाएगा, देन मोल कितना होगा, वन, क्योंकि वी वो वॉल्यूम है जहां पर वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा वन इंटू 1000 और ये वी। यहां से देखिएगा वी इज इक्वल टू कितना बना, 1000 अपॉन एम, ये इक्वेशन नंबर टू हो गई फ्रॉम वन एंड टू। एक और दो से हम क्या करने वाले हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू वी है, तो वी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा एम इज इक्वल टू निकल के आएगा कापा इंटू 1000 अपॉन एम। ये रिलेशन होता है मोलैरिटी, मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में, तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। अच्छा, अब हम बात करें अगर यूनिट की, यूनिट ऑफ लैम्डा एम ये क्या निकल के आएगी, आप यहां से चेक करो, लैम्डा एम इज इक्वल टू है कापा इंटू वी, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू वी है, तो यूनिट अगर हम निकालें पहले ही आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था, रब हो गया थोड़ा सा, तो कापा की यूनिट होती है साइमन पर सेंटीमीटर, और इसकी यूनिट क्या होगी, वी की, वी की यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। वैसे तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए, लेकिन ये वॉल्यूम स्पेसिफिक है, हैविंग वन मोल इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए यहां पर मोल लगाना पड़ा, तो ओवरऑल यूनिट ऑफ लैम्डा एम आएगी निकल के साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल, ये होगी। तो ये पार्ट
यूनिट का है। तो ये मोलर कंडक्टिविटी को हमने खत्म किया। मोलर कंडक्टिविटी क्या है ये आपको समझाया गया। अब आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें नोट्स बनाने के लिए। तब हम बात करेंगे मोलर कंडक्टेंस के बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसको हम दिखाते हैं लैम्डा ई से। लिखिएगा पहले फिर समझाते हैं। कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। देखिए जैसे जब सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होता था तो उसको हम मोलर कंडक्टेंस कहते थे, और जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे। तो देखते हैं इसका रिलेशन नॉर्मेलिटी के साथ कैसे, बिल्कुल उसी तरीके से आएगा रिलेशन विद नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के साथ रिलेशन देखिए उसी तरीके से, लेट से VML solution has electrolyte is equal to 1 gram equivalent just like mole, then conductance of solution को हम क्या कहेंगे लैम्डा ई। सेकेंड सेगमेंट देखिएगा, कंडक्टेंस ऑफ वन ml सॉल्यूशन को हम कहते हैं कापा, तो कंडक्टेंस ऑफ VML सॉल्यूशन को हम कहेंगे कापा इंटू वी, और यहां पर ये किसके बराबर है लैम्डा ई के, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब नॉर्मेलिटी के साथ रिलेशन कैसे निकालेंगे, फ्रॉम नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ऊपर आता है ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नीचे वॉल्यूम इन लीटर होता है, अगर वॉल्यूम इन ml लोगे तो ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। कंटिन्यू करते हैं, अगर वॉल्यूम की जगह व्हेन वॉल्यूम इज इक्वल टू VML तो ऐसे केस में ग्राम इक्विवेलेंट्स ये हो जाएंगे 1, देन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह 1 रखेंगे और वॉल्यूम की जगह बी रखेंगे, 1 इंटू 1000 अपॉन वी, वी इज इक्वल टू होगा 1000 अपॉन n, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया फ्रॉम 1 एंड 2। एक और 2 से
वी की इस वैल्यू को हम रिप्लेस कराएंगे तो लैम्डा ई इज इक्वल टू आ जाएगा काप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। तब अगर हम बात करें यूनिट की, यूनिट ऑफ लैम्डा ई, वही वहीं से देखते हैं काप्पा इंटू वी से देखते हैं, काप्पा की यूनिट क्या होगी, साइमन पर सेंटीमीटर, और वी की यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो यूनिट ऑफ लैम्डा ई इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इस पूरे का इन्वर्स, ये यूनिट होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये है लैम्डा ई यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो कुल मिला के कंडक्टेंस में जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं, अगर हम उनकी बात करें तो देखिए कौन कौन से फार्मूलाज बन गए, बड़े हल्के फुल्के से न्यूमेरिकल्स बनते हैं यहाँ से, कुछ एकाध न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे, बाकी आपको घर से प्रैक्टिस करने होंगे। कुल मिला के जो फार्मूलाज आपने पढ़े जिनका यूज होगा, नंबर एक G इज इक्वल टू 1/r, नंबर दो जिसका यूज होगा काप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल ओवर ए, या 1/r को ही हमने G इंटू एल ओवर ए लिख दिया था। तीसरा जो फार्मूला यूज होगा वो होगा लैम्डा एम इज इक्वल टू काप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, और फोर्थ जो फार्मूला यूज होगा लैम्डा ई इज इक्वल टू काप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। तो कुल मिला के यही चार फार्मूलाज यूज होने हैं, मैं आपको यहां से न्यूमेरिकल दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा 0.5 नॉर्मल सॉल्ट, मतलब नॉर्मेलिटी कितनी है 0.5, 0.5 नॉर्मल सॉल्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स विच आर टू सेंटीमीटर अपार्ट। फुल स्टॉप के बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 4 cm² फिर फुल स्टॉप के बाद रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 25 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 25 ओम, देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, मैं कंटिन्यू करता हूं। देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो L है वो 2 cm है, A है 4 cm², रेजिस्टेंस R है 25 ओम, बताना क्या है लैम्डा E। अगर आप लैम्डा ई निकालना चाहते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा काप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी।
काप्पा दिया नहीं है, तो काप्पा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। काप्पा की वैल्यू क्या होगी, काप्पा इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो, 1/r इंटू एल ओवर ए था, ये तो हो गया काप्पा, इंटू 1000/n हो जाएगा, 1/25, लेंथ 2 सेंटीमीटर है, एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1000, नॉर्मेलिटी 0.5 है। यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे हम कहेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो अच्छा, एक रिलेशन आपको बताना भूल गए थे। रिलेशन होता है, अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा ई निकालना है तो वो लैम्डा एम अपॉन एन के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल, लैम्डा ई अगर एल ट्रिपल पॉजिटिव का लिया है आपने, तो ये किसके बराबर होगा, लैम्डा एम एल ट्रिपल पॉजिटिव का, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको किससे, 3 से। तो ये भी एक रिलेशन याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहां से और कराएंगे आपको हम। देखिए बेटा, क्वेश्चन है, लिखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल व्हेन इट इज फिल्ड विद 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन, व्हेन इट इज फिल्ड विद 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन इज 200 ओम, फुल स्टॉप के बाद, व्हेन सेम सेल इज फिल्ड विद 0.02 मोलर NaCl सॉल्यूशन, इट्स रेजिस्टेंस इज 1000 ओम। फिर कहा है पहला पार्ट क्वेश्चन का, कैलकुलेट सेल कांस्टेंट, और दूसरे पार्ट में कहा है कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.02 मोलर NaCl सॉल्यूशन इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 1.29 साइमन पर मीटर। चलिए समझाते हैं आपको, आप ट्राई करें, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्वेश्चन। देखिए बेटा, आपसे जो मोलर कंडक्टेंस पूछी है, वो मोलर कंडक्टेंस पूछी है NaCl सॉल्यूशन की, तो आप सीधे से फार्मूला लगाएंगे, लैम्डा एम इज इक्वल टू काप्पा, काप्पा किसका चाहिए होगा, NaCl का चाहिए होगा, इंटू 1000/ मोलैरिटी, मोलैरिटी पता है। अच्छा, काप्पा जो चाहिए होगा, यहां जो काप्पा दिया गया है वो KCl सॉल्यूशन का दिया है, और हमें जो काप्पा चाहिए होगा वो NaCl सॉल्यूशन का चाहिए होगा। अच्छा, NaCl सॉल्यूशन का काप्पा कैसे निकालोगे, काप्पा इज इक्वल टू 1/r, r पता है, इंटू एल ओवर ए नहीं पता है, राइट। तो हम पहले L ओवर A फाइंड करेंगे। अच्छा, L ओवर A सेल कांस्टेंट होता है, एक पर्टिकुलर सेल के लिए सेम रहता है, चाहे उसमें आप NaCl भरो या KCl भरो, L ओवर A कैसा रहेगा, सेम रहेगा, L ओवर A सेम रहेगा, रेजिस्टेंस अलग होगा, इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी है, मोलर कंडक्टेंस अलग होंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अलग होंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अलग होगा, बाकी सब अलग होने हैं, सेम क्या होगा, L ओवर A, क्योंकि क्योंकि सेल सेम है और L ओवर A इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हेन फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl, तो इस केस में हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हमारा होगा काप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल ओवर ए, तो काप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल ओवर ए लगाना है। KCl का काप्पा हमें दिया गया है 1.29 साइमन पर मीटर, लेकिन ध्यान देना, हम क्या करते हैं, जब लैम्डा एम निकालते हैं तो जो फार्मूला यूज करते हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू
क्या करते हैं, कापा इन 2000 अपॉन जो वॉल्यूम लेते हैं वो ml में लेते हैं, तो इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। या तो आप फिर वॉल्यूम को मीटर क्यूब में बदलो, फिर फार्मूला पूरा ड्राइव करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको साइमन पर सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1.29 ये साइमन है, मीटर की जगह हम क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.29 इंटू 10^-2 साइमन पर सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू हम वहाँ पर ले जाते हैं, 1.29 इंटू 10^-2, आर की वैल्यू है 200 और एल ओवर ए हमें पता लगाना है। तो एल ओवर ए हो जाएगा, देख लीजिए, 1.29 10^-2 इंटू 200 ये कैंसिल होगा, यानी एल ओवर ए की वैल्यू आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2.58 साइमन, सॉरी ये वैल्यू आएगी पर सेंटीमीटर में। तो एक तो आपका ये आंसर हो गया, आपको एल ओवर ए बताना था। एल ओवर ए को निकालने के बाद अब हमें फाइंड करना है व्हेन फिल्ड विद, या इस तरीके से आप लिख सकते हो, फॉर 0.02 मोलर NaCl। क्या निकालना है आपको यहाँ पे, लैम्डा एम निकालना है। तो लैम्डा एम के लिए हम करेंगे क्या, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी करेंगे। कापा हमें दिया नहीं है तो कापा की जगह 1/r इंटू एल ओवर ए हो जाएगा और ये हो गया 1000 अपॉन मोलैरिटी। 1/1000 एल ओवर ए की वैल्यू 2.58, 1000 अपॉन मोलैरिटी है 0.02, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आएगा निकल के 258/2, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 129 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यहाँ से और टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अब हम जिस टॉपिक की बात करेंगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, जो मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, उसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो मोलर कंडक्टेंस यानी मोलर कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। चलिए फिर डालिएगा हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी। हाँ बेटा, तो बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखिए, पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें कुछ ज़्यादा लिखाने को है नहीं, आपको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, मतलब वो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं। अगर हम इस तरीके से एग्जाम्पल लें, हमने एक तरफ लिया NaCl, मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो 1 मोल लिया होगा, और दूसरी तरफ हमने लिया 1 मोल एसिटिक एसिड, तो दोनों का ही 1 मोल है। जब दोनों का 1 मोल है, कंडक्टेंस NaCl मॉलिक्यूल या एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल नहीं करता है, कंडक्टेंस जब ये सॉल्वेंट के साथ मिलते हैं तो आयंस बन जाते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पर आयंस बनेंगे CH3COO नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, कंडक्टेंस एक्चुअली ये आयंस करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, 100% डिसोसिएशन की वजह से आयंस का नंबर ज़्यादा होगा। इसलिए एक जनरल सा पॉइंट हम लिख सकते हैं, जब हम डालेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो वहाँ पे लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज ऑलवेज मोर देन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लेस
नंबर ऑफ आयन्स आर ऑल्सो लेस, हेंस देयर मोलर कंडक्टेंस इज लेस, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है, मान लो कि आपसे इलेक्ट्रोलाइट की नहीं बल्कि आयन के बारे में पूछा जाए, जैसे कि मोलर कंडक्टेंस एक बार आपसे पूछ ली गई एच पॉजिटिव आयन इसको, और मोलर कंडक्टेंस दूसरी बार एन ए प्लस, इसको आपको कंपेयर करना है, इनको कंपेयर करना है, इसको और इसको, भाई एक मोल एन ए पॉजिटिव और एक मोल एच पॉजिटिव। तो फिर ये देखा जाता है कि एक्वा सॉल्यूशन में जिस आयन का साइज छोटा होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, और जब मोबिलिटी ज्यादा होगी तो फिर उसका कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। तो अगर आयन्स के केस में कंपेयर करना पड़े तो हम कहेंगे लेस द साइज ऑफ हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आयन मोर द इट्स मोलर कंडक्टेंस। साइज जितना छोटा होगा हाइड्रेटेड आयन का उसकी मोलर कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये तो बेटा हमने पहला फैक्टर पढ़ लिया जिसका नाम था, जो फैक्टर था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें आपने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट से, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन 100% ना होने के कारण वहां पर आयन्स का नंबर कम होता है। और अगर हमें आयन्स की मोलर कंडक्टेंस को कंपेयर करना पड़े तो उस केस में हम कहेंगे जिस आयन का साइज छोटा है उसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी। दूसरा, या यहां से देखो एक क्वेश्चन भी आ चुका है, क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि आपको मोलर कंडक्टेंस कंपेयर करनी थी। मैं एग्जांपल एक ले रहा हूं, एग्जांपल ये है, ये हमने लिए Li पॉजिटिव, फर्स्ट ग्रुप के सारे आयन्स हैं सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम। अच्छा, यहां से यहां अगर जाएंगे तो हमें ये बात पता है साइज इन, अगर इन गैस फेज में साइज को मेजर किया जाए तो साइज डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, बढ़ता है, तो साइज बढ़ेगा। और एक बात ये पक्की है, जो हाइड्रेशन होता है मतलब पानी इनके चारों तरफ एक्युमुलेट होगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन, वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, Li पॉजिटिव का। और पानी में जाने के बाद जब हाइड्रेटेड आयन्स बनते हैं तो Li प्लस के चारों तरफ इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है कि अब उसका हाइड्रेटेड आयन का जो साइज होता है वो Li प्लस का सबसे ज्यादा होता है। तो देखो यहां पे साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन्स, ये बेटा Li प्लस एक्वस का सबसे ज्यादा होता है। वजह, इसका गैस फेज में साइज सबसे छोटा था इसलिए वाटर का एक्युमुलेशन सबसे ज्यादा हुआ। फिर आता है Na प्लस एक्वस, फिर K प्लस एक्वस, फिर आएगा Rb प्लस एक्वस, फिर होगा Cs प्लस एक्वस। तो ये साइज की बात हो गई। अगर हम बात करें गैस फेज में साइज तो ऑर्डर ये होता है, इधर की तरफ बढ़ता है, जबकि एक्वो सॉल्यूशन में साइज इधर की तरफ क्या होता है, घटता है। तो अगर मोलर कंडक्टेंस गैस फेज में देखोगे तो सबसे ज्यादा गैस फेज में मोलर कंडक्टेंस होगी Li पॉजिटिव की, क्योंकि साइज सबसे छोटा है गैस फेज में। लेकिन मोलर कंडक्टेंस इन एक्वो सॉल्यूशन इसका जो ऑर्डर होगा वो Li प्लस एक्वस सबसे कम, फिर आएगा Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, फिर Rb प्लस एक्वस, उसके बाद आता है सीजियम प्लस एक्वस। ये होता है, और ये क्वेश्चन शायद इंजीनियरिंग या मेडिकल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो पहला फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा वो था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद हम सेकेंड फैक्टर, जो दो ही फैक्टर मेन हमें पढ़ने होते हैं, वो भी जो दूसरा वाला फैक्टर है वो है मेन, सेकेंड है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन।
डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, समझते हैं भाई। ये बात तो हमारी पहले से ही कंफर्म हो गई, मोलर कंडक्टेंस तब होगी जब ये यहां पर एक मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, कितना भी वॉल्यूम हो, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट। मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी होती है मोल अपॉन वॉल्यूम, ये तो फिक्स हो गया वन। अब वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा कंसंट्रेशन उतनी ही कम होगी, वॉल्यूम कम होगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन से हमें मतलब नहीं है, हम मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी तब कहते हैं जब एक मोल फिक्स होता है। तो देखिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, इसका जो इफेक्ट है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे वो थोड़ा अलग अलग है। देखिए पहली बात तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, एक नहीं दो तीन लोग हैं, डिवाइन, यही स्पेलिंग होगी शायद, हकल, एंड एक और हैं ऑनसेंजर, ऑनसेगर। इन्होंने ये बताया अगर आप डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन आप बढ़ाओगे, मतलब एक मोल इलेक्ट्रोलाइट है आप उसमें और वाटर ऐड कर रहे हैं, अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी, चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो या फिर वीक हो। अच्छा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों बढ़ती है, अगर 11th में आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा हो तो आपने वहां पे एक लॉ पढ़ा होगा, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ में कहा गया है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो डाइल्यूशन के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो 10% टूट रहा था, वॉल्यूम हमने डबल कर दिया तो अब वो 14% टूटने लगेगा। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये तो वीक का एक्सप्लेनेशन है। और स्ट्रांग के केस में क्यों बढ़ती है, वो तो ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड होता है। स्ट्रांग के केस में बढ़ने की वजह यह बताई गई, अगर डाइल्यूट कर दोगे सॉल्यूशन को तो आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, जो आयंस के बीच में इंट्रैक्शन था, अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन घटेगा, आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी, मोर ओवर सॉल्यूशन पतला हो जाएगा जिससे सॉल्यूशन की विस्कोसिटी घटेगी। विस्कोसिटी घटने का मतलब यह हुआ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी घटेगी तो उससे क्या होगा, उससे भी विस्कोसिटी घटने से आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी और मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये जो रूल है एक, इस रूल को हम कहते हैं डिवाई हकल एंड ऑनसेगर रूल। क्या है, क्या लिखेंगे हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में, हम लिखेंगे व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रांग एंड वीक बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेस। इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीमेंट इन मोलर कंडक्टेंस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, चाहो तो यहीं पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा से दिखाते हैं, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी, ब्रैकेट क्लोज। तो हम क्या बात कर रहे थे, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ब्रैकेट में ये, एंड फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इट इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीजिंग विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड इंक्रीजिंग मोबिलिटी ऑफ आयंस, इट इज कॉल्ड डिवाई हकल एंड ऑनसेगर रूल। ये रूल होता है। अच्छा इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक इक्वेशन भी दी इन्होंने, इन्होंने एक इक्वेशन दी लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लैम्डा एम
यहां इंफिनिटी माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी। बेटा जी ए तो एक कांस्टेंट है, पहले बता दें आपको सी क्या है। सी तो है कंसंट्रेशन, आप सब जानते हैं। ए है कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट होता है डिपेंड्स ऑन, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नंबर एक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर दो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर तीन टेम्परेचर। लैम्डा एम इंफिनिटी, इसे हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का मतलब दैट इज व्हेन कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो। कंसंट्रेशन जीरो हो तो नहीं सकती, बट जीरो मान ली जाती है इन्फिनाइट डाइल्यूशन, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के अलावा कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन भी कह सकते हैं। और यह है मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस से कम होगी, मतलब उसमें से कुछ माइनस करेंगे तब निकल के आएगी। और अनडाउटेडली इसमें सी वाला भी फैक्टर है, कंसंट्रेशन फैक्टर भी है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो मोलर कंडक्टेंस घटती जाएगी। अभी तो बताया था डाइल्यूशन बढ़ाने पर, मतलब कंसंट्रेशन घटाने पर मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है। ये इक्वेशन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दी थी इन्होंने। अच्छा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी करिएगा। इन्होंने जो ग्राफ दिए था स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग था ग्राफ, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग था। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं क्या है। अगर यह ग्राफ बनाया जाए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। इस एक्सिस पे लिया स्क्वायर रूट ऑफ सी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी इस डायरेक्शन में, और इस एक्सिस पर लिया हमने लैम्डा एम। तो ये ग्राफ ऐसे आता है निकल के, स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा कर्व ज्यादा हो गया, ऐसे करके ये ग्राफ आता है। और इसके बाद ये ग्राफ इस तरीके से, इसमें टर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और टर्निंग होते होते स्ट्रेट नहीं रहता मतलब, और धीरे धीरे ये लीनियर की तरफ चला जाता है। मतलब आपने क्या देखा, जब आप इधर जा रहे हो तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मोलर कंडक्टेंस क्या हो रही है, देखो नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ, मोलर कंडक्टेंस घट रही है। स्टार्टिंग में तो लीनियरली घटती है, फिर नॉन लीनियरली घटती है, ये यहां से यहां तक नॉन लीनियर है ग्राफ, और उसके बाद ये कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अच्छा, अगर इस ग्राफ की हम एक्स्ट्रा, हालांकि कंसंट्रेशन जीरो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वन मोर इलेक्ट्रोलाइट तो पड़ा ही होगा वहां पे, डाइल्यूशन करते जाओ, कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो होगी। तो अगर हम इस ग्राफ की एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करें, जो कि केवल थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इस पॉइंट पे जो कंडक्टेंस निकल के आती है उसी को हम कहते हैं लैम्डा एम एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पता करनी हो तो इसको हम ग्राफ की एक्स्ट्रा प्लॉटिंग से पता करते हैं, राइट? अच्छा, अगर यही ग्राफ हमें बनाना पड़े वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ अलग है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो डाइल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ सी ले लिया, इधर की तरफ हमने लैम्डा एम ले लिया, ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। ना तो ये इस एक्सिस पर कहीं मिलेगा इधर की तरफ, ये ग्राफ रहेगा हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड, और ये रहेगा वाई एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड, बट मिलेगा कहीं नहीं जाके, मिलेगा कहां, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे मिलेगा जाके। कुछ ऐसा ग्राफ आता है जैसे हम यहां पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ की वजह से एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को फाइंड कर सकते थे, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम मोलर कंडक्टेंस या एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ ऑब्टेन नहीं कर सकते। यहां से एक चीज और भी क्लियर है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन कहां ज्यादा होता है, तो आप कहोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट में इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ज्यादा होता है। सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर वहां पर जो कंडक्टेंस बढ़ती है वो ज्यादा बढ़ती है। अच्छा, इसके अलावा ये तो मोलर कंडक्टेंस पढ़ रहे थे, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो कंडक्टिविटी है, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसका डाइल्यूशन, उस पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक नोट लिखिएगा, ये कॉपी करने के बाद, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप एक नोट लिखेंगे। नोट में आप लिखेंगे कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, घटती है, डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन ड्यू टू डिक्रीजिंग नंबर ऑफ आयंस, या ब्रैकेट में आप चार्ज कैरियर्स भी लिख सकते हो, ड्यू टू डिक्रीजिंग नंबर ऑफ आयंस यानी चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये कैसे हुआ? जैसे मान लो ये एसिटिक एसिड था यहां पर, ठीक है, वॉल्यूम वी था, एक मोल डाल रखा था हमने, तो यहां के कंडक्टेंस को हमने क्या कहा, लैम्डा एम कहा था। हम मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो आयंस का नंबर था, नंबर ऑफ आयंस वो एक्स था। अब हमने क्या किया, वॉल्यूम को डबल कर दिया। जब वॉल्यूम को डबल कर दिया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी होती है, वॉल्यूम होती है। जब आप वॉल्यूम को डबल करोगे तो यहां पर 2v आ जाएगा, और 2v का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितने टाइम्स हो जाएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 1.41 टाइम्स। तो अब वॉल्यूम कितना हो गया, डबल, और आयंस का नंबर कितना हो गया, 1.41x। पहले x थे जब वॉल्यूम v था, और वॉल्यूम को हमने क्या किया, डबल, तो 2v हो गया वॉल्यूम, 2v हो गया, तो फिर नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 1.41x। वॉल्यूम तो डबल हुआ लेकिन नंबर ऑफ आयंस डबल नहीं हुए। ओवरऑल कंडक्टेंस तो बढ़ेगी, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, बट कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो पर यूनिट वॉल्यूम होती है। पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब अगर वी 1 ml के लिए निकाल रहे थे, अब आप पहले वी, अगर वी की वैल्यू 1 ml है तो 1 ml में आयन कितने थे, एक्स। अब अगर 2 ml कर दिया तो आयंस कितने हो गए, 1.41x। लेकिन जो कंडक्टिविटी निकाली जाएगी वो तो 1 ml से ही निकाली जाएगी, और अब 1 ml में आयंस कितने होंगे, वो केवल 0.7x रह जाएंगे, जबकि पहले कितने हुआ करते थे, पूरे x हुआ करते थे। तो अगर ये समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको लाइव क्लास में समझाऊंगा। लेकिन ओवरऑल ये पॉइंट आपको लिखना होगा कि डाइल्यूशन से अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं तो कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटती है, और घटने की वजह है डिक्रीमेंट इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड वाला पार्ट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, एक तो कंडक्टेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे जिसमें खुद कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन सबको पढ़ा। इनसे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल्स आपको कराए गए, और फिर हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी, जहां पर पहला फैक्टर आपको पढ़ाया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा फैक्टर आपको पढ़ाया डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में आपने डिवाई, हकल एंड ओनसेगर रूल भी पढ़ा, और बाकी ये कुछ ग्राफ्स भी देखे। होपफुली आपको सब क्लियर होगा। अब हम आखिरी लेक्चर में इसको, जस्ट अ मिनट। तो बेटा अब
बस इसका एक लेक्चर रह गया है जिसमें हम कोलरॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा एक लेक्चर के बाद, तो इसको देखिए, इंजॉय कीजिए पढ़ाई को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में।